हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा टॉपिक है उन मेथड्स के बारे में जिनका हम यूज करते हैं व्हाइल टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। दैट मींस हम इस वीडियो में बात करेंगे उन अलग अलग मेथड्स के बारे में जिनका यूज हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। ट्रेडिशनल मेथड को हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, क्योंकि डिडक्टिव मेथड में क्या होता है ना, टीचर पहले रूल बताती हैं एंड देन फिर एग्जाम्पल बच्चों को बताए जाते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। वेयर एज अगर हम इंडक्टिव मेथड की बात करें तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। ओके, अब देखो नाम से समझ आ रहा है ट्रेडिशनल मेथड, तो ये मेथड ना बहुत पहले से यूज किया आता जा रहा है। इसे हम ये कह सकते हैं काफी पुराना मेथड है। इस मेथड में फॉर्मल ग्रामर पढ़ाई जाती है एंड जो ग्रामर है वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट जो ग्रामर बुक होती है उसी से ही टीचर पढ़ाती है, ग्रामर बुक की हेल्प से, ध्यान रखना। तो ट्रेडिशनल मेथड जो है वो यूजफुल कब है, जब आप बच्चों को फॉर्मल ग्रामर पढ़ा रहे हो। तो फॉर्मल ग्रामर पढ़ाने के लिए ये मेथड बहुत बेस्ट है। इसके अलावा इस मेथड का यूज जब किया जाता है जब ग्रामर को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है एंड ग्रामर की बुक जो होती है उस बुक के माध्यम से ही बच्चों को फिर सिखाया जाता है। तो टीचर इसमें क्या करती है, इस मेथड के थ्रू टीचर जो है डिडक्टिव मेथड का यूज करती है। तो टीचर पहले रूल बताएंगी या डेफिनेशन बताएंगी, फिर उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल बताए जाते हैं। जैसे कि टीचर बच्चों को नाउन पढ़ा रही है, तो नाउन पढ़ाएगी जब टीचर तो क्या करेंगी, तो पहले टीचर जो है बच्चों को नाउन की डेफिनेशन करा देंगी। जैसे कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और अ थिंग, तो बच्चों को ये डेफिनेशन बता दी। अब बच्चे क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को मेमोराइज करेंगे, मतलब याद करेंगे इस डेफिनेशन को एंड देन एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, टीचर ने नाउन पढ़ाया तो नाउन का टीचर ने एक डेफिनेशन बता दिया, इसके साथ साथ टीचर ने डेफिनेशन के बाद रूल भी बता दिए एंड फिर कुछ बच्चों को एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है। जैसे कि बच्चों को बोल दिया दिस इज अ पेन, ठीक है, तो पेन क्या है, एक नाउन है। ओके, तो अब बच्चे क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को मेमोराइज करेंगे। तो जब टीचर कहेगी दिस इज अ पेन, अब इसमें से बताओ बच्चों कि नाउन कौन सा है, तो अब बच्चे पूरा सेंटेंस देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, तो डेफिनेशन में बच्चे देखेंगे कि किसी पर्सन प्लेस या थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं, तो बच्चों को समझ में आएगा कि पेन क्या है, एक थिंग है, एक चीज है। तो बच्चे जो है डेफिनेशन को लर्न करके फिर आंसर देंगे कि पेन क्या है, ये एक नाउन है। तो ऑल एंड ऑल आपको ध्यान में ये रखना है कि ट्रेडिशनल मेथड में टीचर पहले रूल एंड डेफिनेशन बताती है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कराती है एंड बच्चे जो है वो क्या करते हैं, रूल एंड डेफिनेशन को मेमोराइज करके एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो प्रैक्टिस सेट होता है फिर उसको लगाते हैं बच्चे। एक चीज ध्यान रखना कि ये मेथड जो है छोटे बच्चों के लिए कामयाब नहीं है, ये मेथड यूजफुल है बड़े बच्चों के लिए। ओके, इसके अलावा आपको ये वीडियो की क्वालिटी ज्यादा सही नहीं दिख रही होगी, रीजन बीइंग कि जब मैं शूट कर रही थी तो लाइट चली गई और पता नहीं अब कितनी देर में आएगी, तो इसलिए मुझे लगा फटाफट से इसको शूट कर ही लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इसकी डीमेरिट क्या है, तो ये जो मेथड है ना ये काफी मोनोटोनस है, बच्चे इस मेथड से काफी बोर हो जाते हैं, काफी डल मेथड है। क्यों, क्योंकि इसमें ना टीचर का ज्यादा रोल है, बच्चों का कम रोल है, तो जहां पर बच्चों का कम रोल होगा बच्चे वहां पर तो बोर हो ही जाएंगे। इसके अलावा बच्चे यहां पर रूल एंड डेफिनेशन को लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की यहां पर रोट लर्निंग होती है, उनको ना ऐसे डेफिनेशन रूल एकदम रटने पड़ते हैं। इसके अलावा इस मेथड में प्रैक्टिस कम कराई जाती है बच्चों की एंड ये वाला मेथड जो है ये टीचर सेंटर्ड है, तो टीचर इसमें ज्यादा रोल निभाती है, बच्चे थोड़े से बैठ के रटते हैं, इतना इनको एक्सरसाइज करने को, इतना उनको प्रैक्टिस सेट करने को मिलता नहीं है। इसके अलावा बच्चों का रोल भी कम ही है इसमें, तो टीचर क्या करती है, टीचर पढ़ाएगी, बच्चों ने गलती कर दी तो करेक्ट करा देंगी। अब दूसरा मेथड है इनफॉर्मल मेथड। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ट्रेडिशनल मेथड को हम फॉर्मल मेथड भी कह सकते हैं,
कई बार ना एग्जामिनर क्या करता है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, क्या करता है एग्जामिनर, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड की जगह फॉर्मल या फिर डिडक्टिव मेथड नाम दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इनफॉर्मल मेथड के बारे में, बिल्कुल इसके अपोजिट, टीचिंग ऑफ ग्रामर नॉट बाय रूल्स। यहाँ पर टीचर क्या करती है, पहले रूल्स नहीं बताती, रूल्स के थ्रू तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि इसको कैसे पढ़ाया जाता है, ग्रामर का यूज करके पढ़ाया जाता है। जैसे कि देखो इसमें अभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये जो है ना मेथड, ये छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखो इसमें क्या होता है, टीचर ना, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इनफॉर्मल मेथड में ग्रामर की कोई इंडिपेंडेंट बुक नहीं होती, नो इंडिपेंडेंट ग्रामर बुक, या फिर या फिर ये लिख लो कि ये जो है एक अलग से सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा कि ग्रामर की एक अलग से बुक नहीं होती, नो ग्रामर बुक। इसके अलावा इसमें जो क्या करती है टीचर, जो टेक्स्ट बुक होती है ना, जैसे कि टेक्स्ट बुक समझिए आप, जैसे लिटरेचर का जो पार्ट है, वहां पर अगर कुछ ग्रामर आ गई तो बच्चों को वो ग्रामर पढ़ा दी जाती है वहां से, तो जो टेक्स्ट बुक होती है, जब टीचर टेक्स्ट बुक कराती है उसके साथ साथ बच्चों को ग्रामर कराती है, तो इंटीग्रेटेड मेथड का यूज किया जाता है। ओके तो अब देखो क्या होता है, टीचर ना जब टेक्स्ट बुक पढ़ाती है बच्चों को, उसी के साथ साथ ग्रामर का यूज बता देती है, तो ये मेथड काफी प्रैक्टिकल है, इसको बच्चे इजीली लर्न कर पाते हैं, एंड ये वाला मेथड छोटे बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। नेक्स्ट है थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स। अब देखो टीचर यहां पर क्या करती है, टेक्स्ट बुक को जब पढ़ाएंगी या उसमें से कुछ लिखवाएंगी, तो बच्चे जो है वो अलग अलग वर्ड्स का कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के साथ साथ ग्रामर पढ़ा दी जाती है, तो यहां पर जब प्रैक्टिस होती है तो वो किसके द्वारा करी जाती है, प्रैक्टिस बच्चों के द्वारा, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चे इसमें बोर नहीं होते। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस के साथ साथ ग्रामर को पढ़ते हैं एंड ग्रामर को लर्न कर लेते हैं अच्छे से। थ्रू दिस मेथड प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर रूल्स आर टॉट। तो ग्रामर जो रूल्स होते हैं उनका प्रैक्टिकल यूज दिखाया जाता है, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बुक में प्रॉपर सेंटेंसेस होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों की थोड़ी सी ना रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होती हैं, तो ऐसी चीजों के थ्रू जो है बच्चे ग्रामर को इजीली सीख जाते हैं, और बच्चों को यह भी पता चलता है कि ग्रामर को यूज कैसे करना है। जैसे यहां पर तो रूल्स वगैरह डेफिनेशन वगैरह रटवा दी जाती हैं, यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस कराया जाता है, प्रॉपर प्रैक्टिस के थ्रू ग्रामर का यूज किया जाता है। इसके अलावा अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम ये वाले मेथड की बात करें तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बच्चों की जो है आपने ग्रामर एकदम यू नो रिफाइन करनी है, बच्चों को अगर आगे जाकर राइटिंग या रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग या इंग्लिश रीडिंग करनी है, कुछ भी ऐसा करना है इंग्लिश से रिलेटेड, तो ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ग्रामर है ना वो फॉर्मल ग्रामर यू नो पढ़ाई जाती है, क्योंकि राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में आपकी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो बच्चा जैसे आगे जाकर सपोज करो राइटर बनना चाहता है, तो अब उसको कौन सी ग्रामर आप सिखाओगे, तो सॉरी उसको कौन सी मेथड के थ्रू ग्रामर सिखाओगे, तो इस मेथड के थ्रू आपको सिखानी है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइट आ गई है, बहुत अच्छा हुआ। इसके अलावा इसकी डीमेरिट ये है कि इसमें जो टाइम है वो ज्यादा जाता है। क्यों टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक से क्या होता है, बच्चे जो है टेक्स्ट बुक इतना बड़ा होता है, ठीक है, उसके अंदर टीचर टेक्स्ट बुक से लेसन भी पढ़ा रही है, साथ साथ ग्रामर भी पढ़ा रही है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा बच्चे जो हैं उनका ध्यान जो है भटक जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक करते करते जो टीचर है जब उनको ग्रामर की तरफ ले जाएगी तो बच्चों का ध्यान भटक जाता है। ओके तो इसीलिए ये मेथड इतना कामयाब नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों के लिए ये वाला मेथड अच्छा है, बड़ों के लिए ये वाला अच्छा है। अब जो अदर मेथड्स की बात जो है अभी हम करेंगे, तो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पर और फिर हम अदर मेथड्स के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्ट जो हमारे मेथड्स बच गए उनके बारे में। तो अभी थर्ड जो मेथड है दैट इज इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। अब इस मेथड में क्या है कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों को इंटीग्रेट करके ये मेथड बनाया गया है, एंड इस मेथड के थ्रू भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है। लेकिन इस मेथड में क्या होता है, हम इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था
कि इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, डिडक्टिव में पहले रूल दिया जाता है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होता है कि इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ जाया जाता है। तो इंडक्टिव में क्या होता है, एग्जाम्पल पहले दिए जाते हैं एंड डिडक्टिव में पहले रूल दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं एंड बाद में रूल। अब देखो इसमें किस तरीके का एक नियम है इस मेथड में। सो थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट देमसेल्व्स फॉर्मुलेट रूल्स। तो स्टूडेंट्स जो है वो खुद ब खुद क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। अब टीचर क्या करती है, उनको एग्जाम्पल देती है। तो बच्चे जो है उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके रूल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको नटशेल में बताऊंगी इसका मतलब। स्टूडेंट्स आर गिवन सम एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर टाइप। तो टीचर क्या करती है, सिमिलर टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल दे देती हैं। ओके, फिर बच्चे उन एग्जाम्पल्स को एनालाइज करते हैं, उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं एंड उनमें सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करके रूल बनाते हैं। एंड फिर जो टीचर है वो बच्चों को कहती हैं कि एक कंक्लूजन पर आओ। तो बच्चे जो है एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर टीचर जो है बाद में रूल देती है, नए एग्जाम्पल देंगी और बच्चों को कहेंगी इस रूल एंड इस एग्जाम्पल को कंपेयर करो जो कंक्लूजन आपने निकाला है उससे। अब मैं अगर इसको नटशेल में समझाऊं तो ध्यान से सुनना। देखो मेथड क्या है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो देखो टीचर ने पहले क्या करा, टीचर ने पहले बच्चों को दिया एग्जाम्पल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब बच्चों को कहा कि इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करो, तो बच्चे इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं एंड फिर एग्जाम्पल्स में से बच्चे क्या निकालते हैं, सिमिलैरिटीज निकालते हैं एंड फिर बच्चे जो है एग्जाम्पल में सिमिलैरिटी निकाल कर रूल को फॉर्मुलेट करते हैं। तो बच्चों ने यहां पर क्या करा, रूल को फॉर्मुलेट कर लिया। तो बच्चों ने जो ये रूल फॉर्मुलेट करा ये क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। अब टीचर क्या करती है, बच्चों ये काम तो है बच्चों का, ठीक है। अब टीचर क्या करेगी, अब टीचर ना जो टीचर ने टॉपिक दिया उसका रूल पहले बच्चों को बताएंगी, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देंगी एंड बच्चों को कहेंगी कि अब एक काम करो, इन एग्जाम्पल्स में जो ये रूल दिया है मैंने उसको अच्छे से देखो कि क्या ये ठीक है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, टीचर के द्वारा दिया गया रूल एंड जो एग्जाम्पल है उससे एक कंक्लूजन जो निकालेंगे, इस कंक्लूजन को अपने कंक्लूजन के साथ कंपेयर करेंगे। आई बात समझ में, यहां पर बच्चों ने कंक्लूजन निकाला खुद ही रूल फॉर्मुलेट करके, यहां पर टीचर ने रूल दिए एंड एग्जाम्पल दिए, फिर इसका एक कंक्लूजन निकाला, इस कंक्लूजन को इस कंक्लूजन के साथ कंपेयर किया और ये देखा कि क्या बच्चों ने सही तरीके से कंक्लूजन ड्रॉ कर रखा था ऊपर, है ना। तो बच्चे जो है कंपेयर करते हैं फिर, क्योंकि टीचर तो यहां पर सही रूल दे देती है, टीचर ने यहां पर सही रूल दे दिया, तो अब बच्चे जब यहां पर कंक्लूजन में आएंगे वो कंक्लूजन करेक्ट होगा। तो फिर बच्चे यहां पर अपना खुद का निकाला हुआ कंक्लूजन एंड टीचर के द्वारा जो रूल दिया गया कंक्लूजन है उन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि भाई कहां उन्होंने गलती कर दी है। ओके, कहीं गलती करती है तो बच्चे फिर उसको खुद ब खुद जो है क्लियर भी कर लेते हैं। ये मेथड जो है काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि बच्चे देखो प्रैक्टिकली इसको यूज कर रहे हैं, काफी रियल है, साइंटिफिक मेथड है, इसमें रोट लर्निंग नहीं है, बच्चों को क्रैम करने की जरूरत नहीं है रूल वगैरह को। इसके अलावा बच्चों का पार्टिसिपेशन एकदम एक्टिव है, सो वी कैन से कि ये जो मेथड है इट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। नेक्स्ट है, इस मेथड से जब बच्चे खुद ब खुद रूल्स वगैरह बनाते हैं तो बच्चों की रीजनिंग स्टिमुलेट होती है, पावर ऑफ थिंकिंग भी बढ़ती है। लेकिन इसका एक डीमेरिट ये है कि ये जो है छोटे बड़े बच्चों पर, यंग लर्नर पर, बड़े बच्चों पर ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट है इंसिडेंटल मेथड। अब इस मेथड को कोरिलेशन मेथड, रेफरेंस मेथड भी कहा जाता है। अब ये जो लर्निंग है इसमें क्या होता है, बच्चे इंसिडेंट्स के थ्रू समझते हैं। तो टीचर क्या करेगी, एक इंसिडेंट क्रिएट करती है या टेक्स्ट बुक में जो इंसिडेंट होते हैं उनके थ्रू ग्रामर पढ़ाती है। तो देखो क्या होता है कि ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली, तो बच्चों को ग्रामर इंसिडेंटली पढ़ाई जाती है, सिचुएशन पर बेस्ड पढ़ाई जाती है। जैसे कि कोई टेक्स्ट बुक टीचर पढ़ा रही है या टीचर कंपोजिशन करा रही है बच्चों को या कोई एक सिचुएशन बता रही है,
तो उस इंसिडेंस के साथ कोरिलेट करके ग्रामर को टीचर पढ़ाती हैं। स्टूडेंट्स कैन नो द प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर लॉज, दैट मीन्स कि ग्रामर के रूल्स का बच्चों को प्रैक्टिकल यूज के थ्रू पता चलता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक, कंपोजिशन या किसी इंसिडेंस या किसी सिचुएशन के थ्रू बच्चे यहाँ पर ग्रामर सीख रहे हैं तो काफी ईजी हो जाती है बच्चों के लिए ये चीज लर्न करना। इसका डीमेरिट एक तो ये है कि ये जो है ना नॉर्मल टीचिंग को इंटरफेयर करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रामर एंड टेक्स्ट बुक जब दोनों को कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है तो जो ओरिजिनल एम है उससे डेविएट हो जाते हैं टीचर भी और बच्चे भी। ठीक है, तो ओरिजिनल एम अलग होता है लेकिन वो ओरिजिनल एम तक पहुंच नहीं पाते, तो कई बार जो है जो नॉर्मल टीचिंग मेथड है उससे हम क्या कर जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, या जो हमारा मेन एम है उससे हम डेविएट हो जाते हैं। अच्छा, टीचर के लिए बार बार टॉपिक से रिलेटेड इंसिडेंट्स को क्रिएट करना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंटल मेथड में क्या होता है, टीचर को ना इंसिडेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, या टेक्स्ट बुक में से कुछ ऐसी चीज निकालनी पड़ती है जो एक इंसिडेंट्स पर बेस्ड है और फिर बच्चों को बताना पड़ता है। ओके, तो हर टाइम जो है टॉपिक से रिलेटेड इंसिडेंट्स या एक सिचुएशन को फॉर्मुलेट करना टीचर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने चार मेथड पढ़ लिए हैं, अभी हम लोग थोड़ा इसमें थोड़ा सा और पार्ट बाकी है, अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा है। लास्ट में जैसे ही ये इसके जो अलग अलग पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएंगे, सारे पार्ट को मैं एकदम कंपाइल कर दूंगी एक वीडियो में, क्योंकि अभी इसी टॉपिक का जो ये ग्रामर का जो टॉपिक हमारा चल रहा है इंग्लिश पेडागोजी में, इससे रिलेटेड अभी एक और वीडियो आएगी, एक या दो वीडियो और आएंगी, तो उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे। सो बने रहिए मेरे चैनल पे, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।